नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आपके पास जो है 100 MB भी जो है बची हुई है तो आप अपनी वीडियोस को जो है अपलोड कर सकते हो। आपने वीडियो जो है बनाई है उसे एडिट की है कितने MB में कर लिए, कम से कम 700, 800, 1 GB तक भी आप जो है वीडियो को एडिट कर लेते हो। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सिंपल दो तरीके बताऊंगा जिससे आप जो है बड़े ही आसानी से अपनी वीडियोस को कम MB में अपलोड कर सकते हो, वो भी HD क्वालिटी में। दोस्तों आप मेरी कोई सी भी वीडियो ओपन करके देख ना, आपको HD क्वालिटी मिलेगी, 1080 में आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, इससे कम में आपको मेरी वीडियोस नहीं मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों मैं भी जो है कम MB में वीडियो अपलोड करता हूँ, कैसे अपलोड करता हूँ इस टॉपिक पर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी इसका फायदा हो। तो दोस्तों शायद जो है इस टॉपिक के बारे में तो बहुत से लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, दो स्टेप्स आपको बताऊंगा, बस दो स्टेप्स को फॉलो करना, आप भी जो है कम MB में वीडियो अपलोड करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हम अपना काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर से हमें एक काम करना है, आपको देखिए गौर से देखना है, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा प्लस वाला, प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर जाना है। तो प्लस वाले ऑप्शन पर हम कर लेंगे और 16.9 वाला जो रेशियो है वो हम यहाँ से चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने चूज कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हो कम MB में अपलोड करना चाहते हो यहाँ से करना है आपको, अपनी वीडियोज को जो भी एडिटिंग वगैरह है वो आप कर लेना अपने अनुसार। तो मैं यहाँ से आपको पहले सिखा देता हूँ, पहले यहाँ से अपनी वीडियोज ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी वीडियोज को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने वीडियोज को ले लिया। मैं आपको सिर्फ छोटी सी वीडियो यहाँ पर करके बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और ज़्यादा टाइम की वजह से इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट कर लिया, ये भी हमारी वीडियो बन चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम देखिए क्या करेंगे, जो 1080 रहेगा उसको 1080 में कर लेंगे, यहाँ पर 30 वाला रहने देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा हाई कर लेंगे इसको, ठीक है। हमने यहाँ से पूरा हाई कर लिया, ये क्या हो गई 22 MB में हो गई, ठीक है। हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको हम एक्सपोर्ट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा हम वेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 1 मिनट का। यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो हो चुका है, यहाँ पर हमारी जो वीडियोस है वो फुल HD में जो है सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फिर से बैक जाएंगे, यहाँ पर बैक गए हम, फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से 16.9 वाला रेशियो लेंगे। अब हमारी जो वीडियो रहेगी यहाँ पर देखिए, हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, अब हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट की है वो हमारी आ चुकी है यहाँ पर। क्योंकि देखिए दोस्तों अब जो वीडियोज़ है हमने एक्सपोर्ट की थी वो कितने कैसी है क्वालिटी में अपलोड हो गई है, सेव हो गई है, वो हो गई है फुल HD। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से करेंगे, अब हम इसको फिर से लेंगे और इसको फिर से हम क्या करेंगे, अब तो HD क्वालिटी में है ही, तो हम क्या करेंगे अब इसको लो कर देंगे। अभी कितनी MB बची, 2 MB में। तो यानी कि दोस्तों अगर आपकी वीडियो जो है 1 GB के तो कम से कम 100 MB में आप उसे अपलोड कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको आप सेव करना, ऐसा एक्सपोर्ट करना, और आपकी जो वीडियो रहेगी वो बहुत ही कम MB में जो है सेव हो जाएगी और HD क्वालिटी में ही सेव होगी। इस तरह से आप अपनी वीडियोज को जो है कम MB में अपलोड कर सकते हो।